हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रभा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे घर में खास फंक्शन हो रहा है। एक्चुअली मैं आई हूँ मायके, और यहाँ पे मेरे भतीजे का मीन्स मेरे नेफ्यू जो बहुत ही क्यूट है, उसका आज बर्थडे है। तो चलो देखते हैं बर्थडे में क्या क्या तैयारी हुई है। तो बहुत सारी कुकिंग भी हुई है और डेकोरेशन भी हुआ है, तो चलो शेयर करती हूँ। ये बन रहा है दाल बाटी। तो ये है बाटी उसकी, और दाल भी बनी है लेकिन वो है कढ़ाई में, और ये ओवन में बन रहा है बाटी। और ये है चिकन, चिकन करी, और यहाँ पे बना है पनीर। और ये है दाल, क्योंकि दाल बाटी है तो दाल तो बन रही है, और ये भी है चिकन। तो बहुत सारी करी है, चिकन करी, पनीर की करी और दाल बाटी। और ये है नान, बटर नान बनाने का प्लान है। प्लान क्या बन ही गया है, नान तो बन ही गया है, बस सर्व करते समय इसमें बटर लगाएंगे और सर्व करेंगे। तो बाकी सारे आइटम मेरे ब्रदर ने बनाए हैं, और ये जो नान है ये मैंने बनाए हैं। तो नान बनाने का प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा रहता है, क्योंकि बेल बेल के बनाना पड़ता है ना, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया। नहीं तो मैं बिल्कुल अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में सोच रही थी कुकिंग स्टेज से शुरू करूं, लेकिन वो सब में मैं बिज़ी हो गई, तो मैं फाइनल कुकिंग के बाद का स्टार्ट कर रही हूं। तो ये देखिए कप केक है, चॉकलेट केक को कप में, छोटे छोटे से कप में बना के कप केक बनाया गया है, और लिखा गया है मेरे नेफ्यू का नेम जय, JAY जय, और 6 ईयर ओल्ड है। ये है जय येलो शर्ट में। तो ये है छठवां जन्मदिन, तो इसलिए 6 भी बनाया गया है कपकेक से। और ये देखिए यहाँ पे भी 6 का बलून है, 6 नंबर का बलून, ये देखिए। और ये सब डेकोरेशन किया है मेरी भाभी जी ने, ये सब बलून्स लगाना है, सब डेकोरेशन रात में ही किया है। और अभी है शाम का टाइम, तकरीबन 6 बज रहे थे, तो इनविटेशन का टाइम भी यही था, 6 बजे का टाइम सबको आने के लिए कहा था। तो कुछ बच्चे आ गए हैं देखिए, लेकिन सब नहीं आए हैं, सब धीरे धीरे आएंगे। तो एंजॉय कर रहे हैं माजा के साथ बच्चे। कौन लिपस्टिक लगा के आया है? नो, आप लगा के आए हो, मुझे तो नहीं दिख रहा। अच्छा थोड़ा बहुत है। क्या नाम है आपका? जय के सारे फ्रेंड्स बहुत क्यूट है, जय के जैसे ही कितनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। वो बच्ची बोल रही थी मैं लिपस्टिक लगा के आई हूँ, और सारे बच्चे माजा पीने में बिजी हैं। और ये है मेरी भाभी जी जिन्होंने ये केक बनाए हैं, ये बहुत अच्छा केक बनाती है, बर्थडे केक भी उन्होंने बनाए, और ये छोटे कप केक भी इन्होंने ही बनाए हैं, और अभी उस पर क्रीम लगा के डेकोरेशन कर रही हैं। ये लिखा है जय, JAY, और सब में क्रीम लगाया जा रहा है। अभी कुछ लोग आ गए हैं, सब तो नहीं आए हैं, फिर भी कुछ लोग आ गए हैं, और सामने चल रहा है बच्चों का कार्टून चैनल। तो अभी भी केक कटिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, तो सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं कार्टून, और बच्चों की मम्मी लोग भी आपस में बातचीत में लगे। और ये जो अभी साड़ी पहन के गई है वो है मेरी मम्मी, और ये है मेरी भाभी जी। तो इनका काम ऑलमोस्ट होने ही वाला है, सारे कलर्स से इन्होंने डेकोरेशन कर दिया। ये देखिए ये दूसरे कलर के क्रीम से वो कपकेक को डेकोरेट कर रही हैं। तो जब तक उनका डेकोरेशन चल रहा है बच्चे भी मस्ती कर रहे हैं, और सभी लोग अभी तक इकट्ठे नहीं हुए थे, मैंने सब आए नहीं थे, इसलिए हम वेट कर रहे थे कि सब आ जाएंगे तो केक कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली कप केक का डेकोरेशन हो चुका है। ये देखिए बहुत सारे कलर्स के क्रीम लगाए गए हैं,
जो बच्चों के लिए अट्रैक्शन है, बच्चों को यही चाहिए, क्रीम स्वीट स्वीट। और चॉकलेट केक है तो बच्चों के लिए बहुत ही यमी है। और जय बहुत दिन से गिनती गिन रहा है, मेरा बर्थडे कब आने वाला है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, बहुत एक्साइटेड है। ये देखिए बर्थडे केक भी आ गया देखिए। लेकिन बच्चे कहाँ बिजी हैं, बच्चे बिजी हैं तलवारबाजी में। एक्चुअली लंबे लंबे बलून्स लेकर आए थे मेरे ब्रदर ने, और उन्हीं को फुला फुला के बच्चों को दिए तलवार की शेप बना बना के। तो सारे बच्चे वो देखें कर रहे हैं, आपस में मस्ती कर रहे हैं, सभी धमाल चौकड़ी मचा रहे हैं बिल्कुल पूरी तरीके से, सारे एक जगह इकट्ठे हुए। तो फिर पूछिए मत, बहुत मस्ती कर रहे और ये है जय की दादी पीछे साड़ी में, मीन्स मेरी माँ। और ये है जय का केक। केक कटिंग के बाद अब आया है नंबर स्नैक्स का। स्नैक्स में ये सब हमने बाहर से ही ऑर्डर किए थे। ये है एग डेविल जिसको बोलते हैं ना, मीन्स एग अंदर रहता है, ऊपर से आलू का कवर रहता है। और ये है समोसे और केक, बर्थडे केक। तो ये सब स्नैक्स जो है हमने बाहर से ऑर्डर किया था, समोसा और एग चॉप या एग डेविल जो भी। और ये देखिए बाटी बन के तैयार है, तो ओवन से बाहर निकाल के रखा है। और ये सब पड़ोसी थे जो डिस्ट्रीब्यूट में हमारी हेल्प कर रहे थे, और ये खाना भी खा रहे हैं सब लोग स्नैक्स के बाद। तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं भी डिस्ट्रीब्यूशन के काम में लगी थी, सबको खाना वाना देना और देखना, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई इस टाइम, लेकिन मैं बाद में कर रही हूँ। ये देखिए जय को इतने सारे गिफ्ट मिले, जय बहुत एक्साइटेड है। देखिए सारे खींच रहा है, कौन से खेलेगा क्या करेगा उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये देखिए एकदम एक होली लिया है। और ये देखिए गिटार बजाने में भी लग गया है, जितने टॉयस मिले सारे खोले नहीं है, जितने खोले हैं उसी को चलाने में और उसी में बिजी हो गया है। या यू नो हाउ टू प्ले गिटार। चलिए जय तो बिजी हो गया अपने गिटार बजाने में, मैं भी अपना ब्लॉग पेंट कर रही हूँ। यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।